Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन को लेकर अपडेट ले रहे हैं। यूपी सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और स्थानीय अधिकारी मंदिर में मौजूद हैं। रामलला के दर्शन सुचारू रूप से हो रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार आज खुला तो गिरावट के साथ था, लेकिन मार्केट ओपनिंग के पहले घंटे में ही बाजार हरे निशान में लौट आया। सुबह 9:54 पर सेंसेक्स 221.95 अंक या 0.32% चढ़कर 70,592 के लेवल पर पहुंच गया है। एनएसई का निफ्टी 76.25 अंक या 0.36% की बढ़त के साथ 21,315 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। ठंड को देखते हरियाणा में 1 से 5 तक की छुट्टियां 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज अपनी टीम के साथ पाकिस्तान से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे। सिद्धू के साथ पंजाब के कांग्रेस नेताओं का दल भी जा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में ईडी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची है। ईडी की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है। हाल ही में जब ईडी की टीम पर हमला हुआ था, उसमें शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पता नहीं कहां से हिम्मत बिस्वा शर्मा के दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने में लगा दीजिए, मैं नहीं डरता। 25 केस लगाए गए हैं, 25 और लगा दीजिए। राम मंदिर में आज दर्शन का दूसरा दिन भी काफी गहमा गहमी वाला रहा। मंदिर की कपाट खुलने से पहले ही 20,000 से अधिक लोग पहुंच गए थे। हालात को देखते हुए पुलिस को प्रशासन ने राम भक्तों की 3 कतारें लगवाई और मंदिर का कपाट खुलने के बाद तीनों लाइन से बारी बारी भक्तों को अंदर जाने दिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के एक अधिकारी के साथ साथ एक निजी कंपनी के कुछ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने असम, त्रिपुरा, मणिपुर और दिल्ली में 16 जगहों पर छापे मारकर ये कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के भैंदर और नया नगर में 2 समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प के सरकार और प्रशासन दोनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ की वैनगंगा नदी में नाव पलटने से 6 महिलाएं डूब गई है। 2 महिलाओं के शव बरामद किए जा चुके हैं और अन्य 4 महिलाएं लापता है, उनकी खोज की जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नॉर्थ ईस्ट के सूबे असम में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने यात्रा पर हमले के आरोप लगाए हैं और ऐसा करने वालों को पुलिस संरक्षण मिलने का भी दावा किया है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। इससे ठीक पहले मुकेश अंबानी आपको सस्ते पेट्रोल की सौगात दे सकते हैं। जनवरी के महीने में देश को अटल सेतु और राम मंदिर जैसी बड़ी सौगात देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और नई परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे देश के लॉजिस्टिक की लागत में बहुत कमी आने वाली है, वहीं लोगों का ट्रेन सफर भी बढ़िया होने वाला है। बिग बॉस के घर में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बार बात हुई है, हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं रुकता है। हाल ही में सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी पर अंकिता लोखंडे ने उन्हें याद किया था। अंकिता के बाद अरुण महाशेट्टी ने भी सुशांत को याद किया है। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है। ये फिल्म सिनेमाघरों में संक्रांति के मौके पर कई बड़ी फिल्मों महेश बाबू की गुंडलुकारम, कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति की मेरी क्रिसमस सहित कई साउथ फिल्मों के साथ रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां लगातार चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। आए दिन फिल्म को लेकर नई नई अपडेट सामने आती रहती है। इसी बीच मेकर्स ने बड़े मियां छोटे मियां का टीजर शेयर कर दिया है। ये टीजर 1:41 का है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 पर आधिकारिक मुहर तो नहीं लगाई है, लेकिन काफी हद तक स्थिति जरूर क्लियर कर दी है। बेन स्टॉक्स ने कंफर्म किया है कि बेन फॉक्स बतौर विकेट कीपर खेलेंगे। इसके अलावा 5 गेंदबाजों के साथ पहले टेस्ट में इंग्लैंड के उतरने का इरादा है, जिनमें 3 स्पिनर हो सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2023 की बेस्ट वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में साल 2023 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 11 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इस टीम की कमान रोहित शर्मा को दी गई है। सुपरस्टार शाहरुख खान की अगले प्रोजेक्ट पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। फैंस इस इंतजार
लेकर एक अपडेट सामने आई है। माना जा रहा है कि किंग खान ने ऋतिक रोशन के पिता और मशहूर फिल्म मेकर राकेश रोशन के साथ हाथ मिलाया। राकेश रोशन के साथ शाहरुख ने करण अर्जुन, कोयला और किंग अंकल जैसी फिल्मों में काम किया है। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में स्क्विड गेम के सीजन 2 कब रिलीज होगी इसका खुलासा किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लेटर के जरिए निर्माता हॉन्ग डोंग ह्यूक की। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।